तो दोस्तों हमारे बीच हैं तुरई की बेल जो कि दिसंबर में लगी थी। अब तक सर्दियों वाली है ये तुरई, आपको दिखाई दे रहा है कि काफ़ी छोटी है, मगर सर्दियों में बचाव करना बहुत भारी हो जाता है सब्जी का, इसमें बहुत मेहनत लगती है। आपको दिख रहा है जो कि त्योरी है, बहुत नाजुक है, त्योरी की सबसे नाजुक बेल होती है सब्जियों में। इसमें बीच में पेठा भी लगाया गया है, हम दिखाते हैं कैसे पानी आता है इससे। तो ये है ड्रिप, ड्रिप है ये, ड्रिप द्वारा पानी दिया जाता है त्योरी में। ये छोटी छोटी बेलें हैं, इनमें स्प्रे भी लगी है, दो स्प्रे लग चुकी है इसमें, जो कि इसको अच्छा बनाए, अच्छा फल दे, इसमें कीटा न लगे, इसमें पत्ते में छेद न हो। हमारे यहाँ पर रेतीली ज़मीन में कीट ज़्यादा होते हैं, इसलिए दवाई वगैरह समय पर लगने से बचाव हो जाता है। समय पर न लगे तो हमारी तुरई ख़राब हो सकती है, अन्य सब्जियाँ ख़राब हो सकती हैं, तुरई नहीं सभी सब्जियों को रुकावट आ सकती है। इसी प्रकार आपको दिखाते हैं कितनी छोटी छोटी बेलें हैं ये, देखो दोस्तों। हम आपको दिखाएंगे जब इसमें पानी चलेगा, अगली वीडियो में देखना। तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको दिखाते हैं पेठा, पेठा दिखाते हैं, अपने हरियाणा बोलते हैं कोड़ा। जैसे आपको कोड़े की बेल दिखाई पड़ रही होगी, कोड़े की बेल काफ़ी बड़ी और मज़बूत होती है, जैसे कोड़ा मजबूत होता है मोटा ताज़ा। ये देखो कीटनाशक जो कि ये बेलों के द्वारा साइड में चल रहे हैं, इसका अभी नड़ा किया गया है, जैसे बोलते हैं खदाई, खदाई करवा दी इसकी, मिट्टी की नीचे खाद डाल के हाथ निकलवा दिया है। ये देखो पेठा लगा हुआ है, ये देखो दोस्तों 15 दिन में पेठा स्टार्ट हो जाए। तो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे, नेक्स्ट पार्ट आएगा इस वीडियो का, पानी देते हुए स्प्रे लगते हुए। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, धन्यवाद।